हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सबको फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और अभी दोपहर का बज रहा है, दोपहर का दो बज रहा है। और अभी भी बहुत ज़्यादा ही धूप है। और सुबह बारिश हुआ था, उसके बाद 4 बजे मोबाइल भी दिया है वेदर पे कि बारिश होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। और इस मौसम को कभी धूप कभी बारिश होने की वजह से ना सबका तबीयत खराब हो गया है। जैसे कि पूनम का भी हो गया पूरा तबीयत खराब, माथा दर्द और बुखार आ गया है। तो पूनम का चलिए आप लोग को हाल दिखाते हैं, उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं। तो अभी हम रूम से बाहर देख सकते हैं, चलिए गाइस आप लोग को दिखाते हैं पूनम का हाल कैसा है। इसे देख सकते हैं पूनम का पूरा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया है। हम लोग जब से आए हैं ना, तब से हम लोग ना कुछ होते जा रहा है। अभी आए नहीं है तो इसका तबीयत खराब हो गया है। यहाँ पे हम लोग आए ना, हम लोग को रद्दी भर भी पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ हम लोग को लग रहा है कि हम लोग आकर फंस गए हैं। अगर ट्यूशन वगैरह में रूम में पैसा नहीं दिए रहते ना, हम लोग चल जाते, हम लोग घर से पढ़ाई कर लेते, क्योंकि इतना झंझट तो घर में ही नहीं होता इतना यहाँ पे होता। अब देखते हैं कब कितना दिन में ठीक होता है इसका बेचारे पूनम। कैसा लग रहा है पूनम तुमको? कल आए घर से, उसके बाद से और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मन ही नहीं लगता है यहाँ पे। जैसा घर में रहते थे वैसा उसके हिसाब से तो यहाँ थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। तो चलिए आप लोग को शाम का वेदर दिखा। तो गाय देख सकते हैं अभी हम लोग का लाइट भी कट गया और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है धूप का, तो बोलना ही नहीं। सुबह में बस बारिश हुआ था, उसके बाद से और दिन भर तो लाइन ही नहीं रहता है यहाँ। और बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, इतना गर्मी लग रहा है। और ऐसे भी हम लोग छत का ऊपर में है मैं ना, तो डायरेक्ट ऊपर वाला में रूम रहते हैं, डायरेक्ट धूप पड़ता है इसका वजह से और गर्म लगता है। पता नहीं इतना मतलब अचानक पानी अचानक धूप में बहुत सारे लोग का तबीयत भी खराब हो गया हो, जैसे कि मेरा हो गया है। और मम्मी पापा को तो बता भी नहीं सकते, वो लोग और टेंशन में हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग अभी दोनों ही एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। और हम लोग एक रूम में दो ही रहते हैं, किसको बता सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा कोई को जान पहचान भी नहीं है, सो किसी को बता भी, इसीलिए जो होगा ऐसे तो अच्छा तरह से अभी कुछ दिखा नहीं पाएंगे। ये तो हमको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते बाहर, तो दिखाएंगे आप लोग को जो होगा वही। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो दोस्त देख सकते हैं अभी शाम हो गया, अभी इवनिंग का बज रहा है 5 और पूनम का तबीयत ख़राब था, फिर भी वो ट्यूशन चली गई है क्योंकि उसको सर का कॉल आया था और एक फ्रेंड आई और बोली चलो ना चल जाते हैं। और उसको ज़बरदस्ती लेते गई है क्योंकि उसको जाने का मन नहीं था, फिर भी आई थी और लेके चली गई है उसको। तो आप आके देखेंगे उसका कैसा हाल है अभी। और देख सकते हैं अभी मौसम तभी 12 बजे और 1 बजे में देख ही सकते थे कितना धूप था, अभी का देख सकते कितना वेदर चेंज हो गया। ऐसे ही चेंज होने की वजह से ना इंसान का तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी धूप पड़ता है कभी बारिश होने लगता है। आया है तो जो बारिश आने का है तो एक ही टाइम में आके पड़ जाता, 1-2 घंटा उसके बाद चला जाता और धूप वगैरह दे देता, कोई दिक्कत नहीं। बारिश हुआ सुबह, फिर धूप दिया और फिर अभी बारिश हो रहा था। चलिए आप लोग का अभी का मौसम दिखाते हैं। गाय जब भी कैसा गरज और मलक हो रहा है, हाँ से पूरा सीन दिखाते हैं आप लोग का। तो गाय चलते हैं, अभी पूनम आएगी उसके बाद आपको उसका देखते। अभी तबीयत ठीक हो हल्का तो उसको ठीक लग रहा था, फिर भी वो चली गई, बोली कि हाँ हमको ठीक लग रहा है हल्का हल्का, तो हम चल जाते हैं। ऐसे भी 2 दिन से ट्यूशन नहीं गई थी क्योंकि घर चली गई थी, उस दिन एब्सेंट हुआ और कल एब्सेंट हुआ था क्योंकि बारिश हो रहा था। तो चलिए अब आती है, तभी मिलते हैं आप लोग को, तो ब्लॉग में बने रहिए। पूनम आ
आती है और पूनम आएगी, उसके बाद आप लोग का सीन दिखाएंगे कि पूनम का तबीयत फाइनली में ठीक हुआ है या नहीं, कि ऐसे ही बस दिखावा पे चली गई है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा ताकि पूनम को देख सकते हैं कि उसका तबीयत अभी ठीक है या ख़राब है। तो चलिए वो 6 बजे या 6:30 बजे तक आ जाएगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं ट्यूशन से और पूरा अंधेरा भी हो गया है और पूरा गरज मलक हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो आज का मौसम क्या पूरा, मतलब सुबह में एक बार बारिश हुआ था और फिर से अभी होगा और बहुत ज़्यादा ही गरज मलक भी होगा और शायद बारिश होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम तभी से ही बनाया था, ट्यूशन गए थे तभी से। और क्या बताएं, मेरा तो पूरा शरीर मतलब गर्म हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सो देखते हैं अब जल्दी जल्दी पहले रूम जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पानी उनी आएगा। देखिए पूरा अंधेरा बादल उधर छाया हुआ है। अंजू अभी क्या कर रही है कुछ कुछ बनाते रहती है। चलिए अभी रात हो गया है और अभी हम लोग खाना वाना बना के खाएंगे और फिर सोएंगे। और आप लोग भगवान से दुआ कीजिएगा कि इसका ठीक हो जाए। और ऐसा मौसम भी कर रहा है ना इसी कारण सुबह शाम कभी अचानक धूप कभी अचानक पानी, इसी कारण से। और ऊपर से यहाँ आए हुए कितना 20 दिन हुआ ही है, आज 20 तारीख है 20 दिन, इसीलिए मन भी नहीं लगता है, इसको भी नहीं लगता है। ये तो 2 बार घर जाके आई, हम एक बार गए थे वहीं से कल आए हैं। और ऐसा लग रहा है सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और आज तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आपको भी बोलना है कुछ तो गाइस इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम आए हैं और व्लॉग में फर्स्ट टाइम बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय दोस्तों, गुड नाइट।